वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स थे, ब्रिटिश एम्पायर जो तो रूलिंग क्लास की आज़ादी थी, अपने मुकामी हुक्मरानों के जंगल में फंस गए। गिलगित पाकिस्तान के जदोजहद आज़ादी का उन्होंने अपने क्लास इंटरेस्ट को चारे सा उसका कोई जिक्र टाइटल्स और जायदादें मिले, सम्राट जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे। डोगरा राजा जो था उसने फिर इंडिया से मदद मांगी। एक बाकायदा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 50s 60s तक 99% लोग कहते थे हम सूबा बनने चाहते, और बुरी सूबा का शोशा छोड़ा जा रहा है कि या तो आप सूबा बने या फिर नहीं। नाम नहाद हमारे इलेक्टेड ये नुमाइंदे तो पढ़े लिखे लोग कोई फ्रेश आइडियाज़ के साथ नहीं आए। नौजवान जो है वो 64% है, तालीमी इदारे नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो सोशल मीडिया पर फ्रस्ट्रेशन निकालने से बात नहीं भी नहीं, यूथ के लिए या वेमेन इमेंसिपेशन खवातीन को इनहेरिटेंस देना चाहते हैं। सीराम जो है रहा नहीं होंगे, ये पॉलिटिक्स या ये असम्बलियाँ बेकार हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अहम दिन के मौके पे ये गुफ्तगू का एहतमाम किया है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हिस्ट्री से उनके दिलचस्पी है या कौमी आज़ादी की तहरीकों से दिलचस्पी है, तो वो तो इस बात को जानते हैं कि जिस दौर में बरसगीर के अंदर आज़ादी की तहरीकें चली वो एक कॉलोनियल पीरियड था। अब उस कॉलोनियल पीरियड में दो चीज़ों का, यानी अगर हम उसको दो हिस्सों में देखेंगे तो एक तो जो वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स थे और वो उस पूरे खत्ते को एक स्क्वीज़ किया हुआ था, यानी और आज भी स्क्वीज़ किया हुआ, यानी रशियन एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आया था, फिर चाइना में, फिर ब्रिटिश एम्पायर जो कि इट्स पावर वाज फेडिंग, यानी वो एक डूबते यानी सूरज की तरह थे। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के को रिप्लेस किया फिर एक अमेरिकन इम्पीरियलिज्म ने। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आज़ादी की तहरीकों में जो दो बुनियादी फ़र्क होता है, एक तो रूलिंग क्लास की आज़ादी होती है और एक जो आम लोगों की आज़ादी। तो एक जिसको हम लिबरेशन कहते हैं वो दरअसल लोगों के माशी और हक़ हुकुमरानी की आज़ादी जब तक ना हो उसको हम आज़ादी तस्लीम नहीं कर सकते। आपके सामने बहुत सारे ममालिक जो है वो कॉलोनियल पावर्स के चंगल से निकले हैं लेकिन अपने मुकामी हुक्मरानों के चंगल में फंस गए। हमारे यहाँ पाकिस्तान की मिसाल यही है, और उसमें यही हुआ कि गिलगित पाकिस्तान की जदोजहद आज़ादी का जो वो था कमांड जो था वो आम लोगों के हाथ में नहीं था, यानी जो ब्रिटिश या डोगरा फौज के अंदर जो मुस्लिम रूलर्स थे या मुस्लिम जो ऑफिसर्स थे उनका ताल्लुक भी इन्हें वे लोकल रूलिंग क्लास से था, यानी सिवाय कर्नल हसन के, बाकी जितने भी थे वो रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे। तो उनके जहन में कोई आवाम के लिए कोई एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने क्लास इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। तो उसका यानी वाजह यानी मिसाल आपके सामने है कि आज़ादी के फौरन बाद, यानी 1 नवंबर को कि आज़ादी के फौरन बाद जो है 15 को जब इन्होंने एक्सेशन का अनाउंसमेंट किया, तो उसमें आप हैरान की बात ये कि जो प्रेसिडेंट था यानी जो सिविलियन को रिप्रेजेंट करता था शारे सर, उसका कोई जिक्र कहीं नहीं है, जबकि हमारे जो लोकल प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसिपैलिटीज़ थे लाइक हंजा, नगर, सुनियाल, यासीन, इनके गवर्नर्स और इनके हुक्मरानों ने फौरी तौर पर यानी एक्सेशन किया वो मेजर ब्राउन के कहने पे किया। और उसकी मेरे पास कुछ यानी एविडेंसेस हैं, यानी जो उन्होंने खत लिखे थे उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये दिस वाज जस्ट सिंपल लेटर्स कि जी हम यानी पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें इसमें कोई शराइत नहीं है कि भाई हम किन शराइत पे पाकिस्तान के साथ इलहाक करना चाहते हैं। तो जाहिर बात है कि इन्होंने और इस इलहाक के नतीजे में इन्होंने अपने मफादात सिक्योर किए। पाकिस्तान के जो रूलिंग क्लास थे मुस्लिम लीग और नवाबों और जागीरदारों के हाथ में थे, तो इन्होंने इस बात में आफियत समझा कि भाई ये ही हमारे मफादात का तहफ़ कर सकते हैं, तो उसके बदले में फिर उनको टाइटल्स और जायदादें मिली। किसी को मेजर जनरल का ख़िताब दिया, किसी को ब्रिगेडियर का, किसी को
آنری جنرل کا خطاب دیا اور یہاں پہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کو کئی جائیدادیں انہوں نے دے دی اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ انہوں نے ہماری آزادی کو ایک طرح سے 15 دن کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے حکمران طبقوں کو ہاتھوں میں دے دی. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یعنی عوام کی جو آزادی جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک یعنی ایک آزادی انڈیپینڈنسی اور اپنے وسائل پر اختیار وہ نہیں ہوا, تو اس لیے اس کے ثمرات جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہمارے لوگوں نے لبریشن وار لڑی تو اس میں ہوا یہ کہ پاکستان کو یہ اندازہ تھا یا حکمرانوں کو کہ بھئی جو ہندو ڈوگرا راجا ہے وہ اس کا جو ہے ٹلٹ جو ہے یا اس کا ارادہ جو ہے وہ حالانکہ شروع میں نہیں تھا انڈیا کے ساتھ ملنے کا, لیکن 22 اکتوبر کو جب انہوں نے قبائلیوں کو بھیجا اور یہ جو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے آزاد کیا بلکہ وہ سری نگر کے قریب تک پہنچ گئے تھے, تو اس ڈر سے پھر ڈوگرا راجا جو تھا اس نے پھر انڈیا سے مدد مانگی اور اس نے جو الحاق کیا وہ ایک باقاعدہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت کیا تھا. انہوں نے انڈیا کے ساتھ یہ چیزیں کچھ معاملات طے کیے تھے کہ یہ عارضی چیزیں ہوں گی اور ہماری آزادی جو ہے جو ہمارے آبادی کے تحفظ ہے, ڈیموگرافک جو اسٹرکچر ہے, اونرشپ آف ریسورسز ہے, یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگی. یہ انہوں نے کم سے کم یہ تو اپنے لیے انشور کیا تھا, لیکن ہمارے ہمارے حکمرانوں نے جو ایکسیشن کیا میر آف ہنزا نے اور شوکت علی صاحب نے, میر آف نگر نے اور محبوب علی خان یاسین کے جو گورنر تھے اور پنیال کے جو راجہ تھے, انہوں نے بغیر کسی شرط کے کیا, یعنی اس میں کوئی گارنٹی نہ صرف یعنی لوگوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی کوئی گارنٹی انہوں نے نہیں مانگا سوائے ٹائٹلز کے. تو اس سے یہ ہوا کہ بھئی مقامی لوگوں کو اس کے فائدہ نہیں ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان, چونکہ پاکستان کے حکمران جو تھے وہ خود ایک کولونیل پاورز کا یعنی ایک سٹوجز رہے اب تک, یعنی یہی ہے, تو خود اس علاقے کے سیاسی اور جو معاملات ہیں اسٹریٹجک جو حیثیت کی وجہ سے اس کے جو معاملات جو ہیں اس میں عمل دخل جو ہے امپیریلسٹ پاورز کا پاکستانی حکمرانوں کے ذریعے سے زیادہ ہے ابھی بھی, چونکہ وہ گریٹ گیم کا حصہ پہلے بھی رہا ہے اور ابھی بھی ہے. یہ سارے معاملات میں لوکل لوگوں کے کوئی کسی ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں عمل دخل نہیں ہے, تو جو یہاں کے حکمران اپنے لیے اپنے مفادات یا امپیریلسٹ پاورز کے مفادات کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں وہی نافذ کرتے ہیں وہاں پہ. تو اب یہ آپ دیکھیں نا, یعنی عجیب اور تضادات ہیں کہ 50s 60s تک اگر 99% لوگ کہتے تھے ہم صوبہ بننے چاہتے ہیں, یعنی یہ ایک پاپولر ڈیمانڈ تھا, تو اس وقت خود ہمارے اپنے جو اسٹیبلشمنٹ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یا رولرز تھے وہ اس کے خلاف تھے کہ نہیں صوبہ نہیں بنا سکتے, ہمارے کشمیر کاؤز کو نقصان پہنچے گا. اب جب لوگوں کے اندر ایک ایلینیشن بڑھ گئی ہے, سینس آف ڈپریویشن بڑھ گیا ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے خود یو این میں کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں صرف لوکل اتھارٹی دے دیں اور ہمارے یہ جو ڈیموگرافک جو چینج ہو رہا ہے اس کو روکیں, تو اب ایک عبوری صوبہ کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ ہم عبوری صوبہ بنائیں گے. عبوری صوبہ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے, یا تو آپ صوبہ بنیں یا پھر نہیں, یا پھر آپ یو این کے جو ریزولوشن کے مطابق 1948 کے اس کو آپ لوکل اتھارٹی دے دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو انٹرنیشنل پاورز اور لوکل ہمارے رولنگ کلاس اپنے مفادات کے تحت چیزیں طے کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں صوبہ بنائیں گے, کبھی کہتے ہیں نہیں بنائیں گے, اور کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو آٹونومی دے دیں گے. تو اب یہ سارا یہ مذاق ہے, اب یہ مذاق زیادہ دیر نہیں چلے گا کیونکہ ایک پورا یعنی کئی جنریشنز گزر چکی ہے, اب ان کے اپنے اسپریشنز ہیں, وہ شہروں سے پڑھ کے جاتے ہیں تو وہ یہاں دیکھتے ہیں کہ بھائی جیسے بھی لولی لنگڑی جمہوری ادارے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی سطح پر لوگوں کا جو ہے ایک حصہ ہوتا ہے اپنے اظہار کا, اپنے رائے کے اظہار کا اور ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں ان کا حصہ ہوتا ہے, لیکن جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں تو ایک 17 گریڈ بیوروکریٹ کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں. ایون جو نام نہاد ہمارے الیکٹڈ یہ نمائندے ہیں ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا ہے, ان سے زیادہ تو 17 گریڈ کسی ڈی سی کسی اے سی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, میرا خیال ہے اس پہ سوچنا چاہیے ہمارے پاکستان کے جو
हुक्मरान हैं, ख़ुद लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको अब इस पर सोचना पड़ेगा कि भाई अब 21वीं सदी में ज़्यादा देर ये नहीं चल सकता है इस तरह। देखिए ये कोई इसमें नई बात मेरे नज़र में नहीं है, ये वही पुराने हर 5 साल के बाद एक एक्सरसाइज होता है, यहाँ से जो फेडरल पार्टीज़ के लोग चले जाते हैं अपने कैंडिडेट्स के हक़ में कैंपेन चलाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 5 साल के बाद वो भूल जाते हैं सारे जो वादे करते हैं, जो कुछ वह वादे या अपने मंशूर में चीज़ें रखते हैं उसको भी नहीं पूरा करते। तो ये इसमें मुझे कोई नई बात नज़र नहीं आती, इसलिए कि वही पुराने चेहरे हैं। आपने ख़ुद इस पर काम किया है, तकरीबन कोई 26-27 कैंडिडेट्स इनमें वो हैं जो गुज़श्ता 5-10 सालों से किसी न किसी पार्टी और असेंबली में इलेक्ट होके आए हैं, तो अब भी वही चेहरे हैं, उसमें कोई नए लोग पढ़े लिखे लोग कोई फ्रेश आइडियाज़ के साथ नहीं आए हैं। अब बुनियादी बात ये कि जिस ये पार्टियां जब तक ये जो लोगों के जो सेंस ऑफ डिप्रेवेशन है अपने ऊपर हुक्मरानी के अख्तियार का, अपने वसाइल के तहफ़ुज़ का, ज़मीनों के तहफ़ुज़ का, ये जब तक बुनियादी अपने मंशूर का हिस्सा नहीं बनाएंगे और इस पे सीरियसली वो असेंबली के अंदर कोई बिल नहीं लाएंगे, तो मेरा ख़्याल है कि ये इससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो 90% लोग हैं, तो उनको इनके ये वादों से, इनके खाली खोली नारों से कुछ नहीं होगा। एक तो ये कि नौजवान जो है वो 64% है इस वक्त, यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ वेल्थ जो है वो यानी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा यानी कैपिटल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके जो एस्पिरेशंस हैं, उसको सही तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे। अब वो बिल्कुल वाज़े नज़र आता है उनके, जब इस तरह के मौके मिलते हैं तो वो उसका इजहार करते हैं। अब उसमें मसला ये है कि बहुत सारे यूथ जो है, तकरीबन कोई 3 लाख के करीब हमारे यूथ जो है वो अपने इलाके से बाहर हैं, जॉब्स के हवाले से, तालीम के हवाले से। अब इतने बड़ी तादाद में यूथ बाहर क्यों है, ये भी एक बुनियादी सवाल है ना, कि भाई वहाँ पे तालीमी इदारे नहीं है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इंटरटेनमेंट के कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसलिए वो शहरों का रुख करते हैं। अब ये यूथ जो है, ठीक है, सोशल मीडिया के ज़रिए से और कुछ और ज़राए से अपने जो फ्रस्ट्रेशन है उसके गम गुस्से का इजहार तो करते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा वोट में, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। अगर इनका नाम उसमें है वोटर लिस्ट में और ये नौजवान यहाँ से चले जाते हैं अपने वोट की अहमियत का अंदाज़ा करते हैं, अपनी ताकत का, तो फिर इनको बहुत सारों को छुट्टियों, एक हफ्ते के लिए, दो चंद दिनों के लिए जाके अपने वोट डालना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा नादरा ने और इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि जो नौजवान बाहर रहते हैं अपने नेटिव टाउन से, शहर से, उनका नाम उनके वोटर लिस्ट जो है उनके मुकामी ओरिजिनल परमानेंट एड्रेस पे ही किया है, तो एक तो ये कि इनको जाके अपने वोट का के ज़रिए से अपने ताकत के इजहार करना चाहिए, तो वो अगर नहीं करते तो खाली सोशल मीडिया पे या उसके ज़रिए से कैंपेन में अपना यानी फ्रस्ट्रेशन निकालने से बात नहीं बनेगी, बल्कि एक ऑर्गेनाइज ताकत के तौर पे इनका इजहार करना चाहिए और इनको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डायलॉग करने चाहिए कि एज़ ए यूथ, एज ए स्टूडेंट और एज ए वीमेन हमारे ये इश्यूज़ हैं, आपके पास इसके क्या यानी मंशूर है इसको हल करने का। तो आपने सही कहा कि भाई इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास यूथ के लिए या वेमेन इमेंसिपेशन के लिए कोई मशहूर ही नहीं है, वो रवायती लोकल बॉडीज़ सतह की चीज़ें जो है वो रखते हैं अपने मंशूर में कि हम कलवर्ट बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन एट पॉलिसी लेवल जो समाजी और मेगा यानी जो तरक्याती और पॉलिटिकल लेवल पे क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे नौजवानों की पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिक्स के अंदर, डिसीजन मेकिंग में, उसका कोई मैकेनिज्म इनके पास, किसी के पास नहीं। अवामी वर्कर्स पार्टी के कैंडिडेट है ये, चूँकि ही इज़ कंसीडर्ड टू बी द यंगेस्ट कैंडिडेट अमंग ऑल जीबी एस्पायरेंट्स यानी जो इलेक्शन में हैं इस वक्त यानी, और दूसरा पढ़ा लिखा है, मास्टर्स डिग्री होल्डर है, फिर उसका जो मंशूर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी
वो बिल्कुल एक यूनिक यानी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस किया है। मसलन जैसे हमने ख्वातीन का जिक्र किया कि हम पेट्रियार्की के ख़िलाफ़ यानी बात करेंगे, तो ये एक बहुत मेजर यानी एक रेडिकल स्टैंड है कि हम ख्वातीन को इनहेरिटेंस देना चाहते हैं जायदाद में, यानी उनको विरासत में देना चाहते हो, उनको हर अमल में हर फैसले में ना सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में बल्कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हर सतह पर उनको हम इंकरेज करना चाहते हो। तो ये मेरा ख्याल है कि जिस सोसाइटी में ये बुनियादी पॉइंट अगर उस पर वाकई में अमल करें तो बहुत मेजर तब्दीली आ सकती है, इसलिए कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वीमेन है, और हमारे वहाँ जो है जो ट्रेडिशनल जो रस्म रिवाज के तहत जो है पेट्रियार्की जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको ख़वातीन को उस तरीके से अपने इजहार का यानी मौका नहीं मिलता है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे है बेहतर है, लेकिन वहाँ पे इस सिर्फ इस हद तक है कि भाई तालीम आप हासिल कर सकते हैं आप, लेकिन कंट्रोल जो है फैसला अपनी ज़िंदगी का आप खुद नहीं कर सकते हैं। ख़वातीन जैसे हमजमे हैं हम, मतलब एक परसेप्शन ये है ना कि भाई वहाँ पर ज़्यादा लिबरल सोसाइटी है, वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे फैसला साजी और इसी तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों को शामिल करने की बात आती है तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। तो मेरे ख्याल है कि ये जो अगर आवामी वर्कर्स पार्टी के जो नौजवान है, इसीलिए मेरा ख्याल है कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ कैंपेन चला रही है, और वो उनका दावा ये है कि भाई हम एक पीपल्स कैंपेन का जो तस्वूर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई असम्बली में जाएंगे तो कोई हम उधर तीर नहीं मारेंगे, लेकिन हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जनरेट करना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ यानी बेईमानी करप्शन और मौका परस्ती और लोटा क्रेसी का नाम नहीं है, और पॉलिटिक्स सिर्फ अमीरों का काम के हक नहीं है कि वो जिनके पास पैसे हैं करोड़ों रुपये तो वो करोड़ों रुपये खर्च करके टिकट खरीदे और करोड़ों रुपये अपने कैंपेन पर खर्च करें, और उसके बाद जब 5 साल उनको मौका मिले तो वो करोड़ों का अरबों रुपये वो लोगों के फंड से अपने जेब भरें। तो इसके अगेंस्ट में ये जो कैंपेन चला रहे हैं वो इट्स अमेजिंग यानी कि भाई हर नौजवान खुद अपना मोटर बाइक लेके आता है, अपने पेट्रोल खुद डालता है, और इश्यूज़ हैं ख़ासतौर पर जैसे हमारे असीरान का मसला है, उसको जिस तरीके से वोकल तरीके से इन्होंने चलाया कैंपेन सिटिंग के दौरान, और अब कैंपेन का मेजर हिस्सा है उनका कि जब तक हमारे सीरान जो है रहा नहीं होंगे हमारे लिए ये पॉलिटिक्स या ये असम्बलियाँ बेकार है, बेमानी है। तो ये है इसी वजह से जो बड़ी तादाद में लोगों के हमदर्दियाँ हैं बाबा जान के हवाले से इस पार्टी के साथ, तो वो अगर वोट के ज़रिए से अपना इजहार करें तो मेजर अपसेट हो सकता है हमजा के अंदर।